राजा से प्रदेश महामंत्री हैं। जी 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 हम मनीष का मेरे गांव के तो मेरा बेटा है, तेजस्वी मेरा भाई है, इसलिए कि हम लोग के सबके स्वागत है। जो गलत करेगा कोई भी आदमी रहे उसके लिए मेरा कोई जगह नहीं है। दोनों का उम्र सेम है तो एगो बेटा एगो भतीजा कैसे हो गया? ठीक है, अरे भाई सुनो, भाई कैसे हो गया? ठीक है मेरा, देखो उसको बच्चे से हम लोग देखे, उसको कुर्सी के हम लोग भैया बोल रहे हैं। हाँ। उसके कुर्सी के मनीष हमारे घर के बगल के जाओ तो हो सकता है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं मनीष। देखो लेकिन टैलेंट आपको नहीं लग रहा कि मनीष में ज्यादा है? बात कह ठीक है, मेरे आपका समझ से है कि हम गलत है तो गलत ही सही, मगर हम इतना जब चैनल पे आप लगातार विरोध करती थी, जो यूट्यूबर के आप बोलती थी कि ऐसा ऐसा रोटी सेकना था सेक लिया। आप भी तो यहाँ क्यों खड़ी है? आप भी तो सेकने रोटी सेकने हम सेकने के लिए आए हैं। हाँ तो क्यों आए? चैनल खोल के देखो कब आई है के? जो उनके चाहने वाले जो उनके भाई है वो तो परसों से खड़े हैं, आप तो सुबह सुबह आ गई है और यहाँ पे सारा बिहार का हर हमेशा खड़ा रहा। और है जिसको आप कहते हैं कि तेजस्वी नोमा फेल है, नोमा फेल, अरे ठीक है तेजस्वी भाई नोमा फेल है तो आप एम में भी एक तत्काल रोड छाप बन गए, रोड छाप नहीं बनना चाहिए, इसलिए आवाज उठा रहे तो रोड छाप है जनता का बात, गरीब का जो बात नहीं। देखो देखो दिखाइए राबड़ी मार। अरे देखे ना बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना राबड़ी माता बोलिए बोलिए। देखो हमारा कहना है कि मनीष के हम इतने कहते हैं, सुरूम भी बोले आज भी बोले कि बाबू तू आओ बेटा बाहर, तुम जैसे पत्र करता था वो बात पहले बोले देखिए, और करता था अब फिर करो, अच्छा से रहो, किसी के बात विचार में नहीं रहो। मेरा यही मतलब कमी नहीं दिखाएगा सरकार का, जो कमी है वो नहीं दिखाएगा। अरे सरकार के कमी है तो फिर हम यूट्यूब वाला चैनल वाला दिखाएंगे कि हम नेतागिरी वाला दिखाएंगे? हम नेतागिरी कर रहे हैं, आइए हम चैनल पकड़ लें। जान गया इतना ना बिहार में करप्शन देखा, इतना ना नर रोड रास्ता ये सब देखा कि वो जान गया कि सब सरकार का ही देन है। खाली तो सरकारें बदल देंगे तो हम सब सुधार सकते हैं। खाली मनीष जी के जनाई देता था कि और लोग पैसा लेते हैं, मनीष पैसा नहीं लेता है। जितने मीडिया वाला आप लोग सब घुस लेते हैं, बड़ा बड़ा मीडिया वाला आपको पता कहाँ? हम कोई मीडिया वाला नहीं कहेंगे बाबू कि घुसखोर है, कोई मीडिया वाला घुसखोर नहीं, गलत बात, नो टेंशन, कोई मीडिया वाला नहीं ऐसा है। फिर आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया कुछ नहीं, क्यों पार्टी नहीं, पार्टी के बात नहीं लावो। हमारा भाजपा वाला भी कहता है कि बिमला मैडम जो सही रहता है वही बात बोलता है, वो भी बोलता है गलत है। एक चीज बताए, इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं आया? जिस दिन मनीष कश्यप को जेल हुआ था तो तमाम खबरें छप गए, बड़े बड़े मीडिया यूट्यूबर को जेल, जब उनकी रिहाई जेल से निकल रहे हैं तो सब मीडिया कहाँ गायब हो गए? तो मीडिया सब यहाँ नहीं, ये सब डिजिटल मीडिया है, ये सब डिजिटल है, बड़े बड़े मीडिया जो इंटरनेशनल जी, वो मीडिया वाला, हम तो मीडिया वाला नहीं है जी जी, जो मीडिया वाला का तुलना करें हम तो बहुत से मीडिया वाला चिन्हों नहीं करते हैं कि कौन मीडिया वाला है नहीं है। आजकल तो झोला छाप कुल मीडिया हो गए, हम सरकारी मीडिया के वैल्यू देते हैं, नो टेंशन। तो फिर एक यूट्यूबर सुनिए, तो फिर एक यूट्यूबर के रिहाई पे आप क्या कर रही हैं? क्यों आई है? यूट्यूबर रिहा हो रहा तो क्यों आई है यूट्यूबर? अरे क्यों आई यूट्यूबर? नहीं हमारा तो घर है, हमारा पूरा मंडी है, आपको मालूम नहीं है? अरे आपका घर है ठीक है, लेकिन जेल गेट के पास आपका मालूम नहीं है? सबसे पूछो यहाँ सुना, हम इस भेड़ मंडी के अध्यक्ष है मैं, हमारा 3 बजे से यहाँ से यहाँ अप डाउन कर रहे हैं, वहाँ पर सब लोग दे लेता धरना, हम बोले बाबू कम से कम मनीष के निकलने दो तो हल्ला हंगामा करना जाओ वो नहीं करो। अरे लड्डू तो बताइए सुनो, पैसा बांटो कि गरीब लोग एगो कपड़ा होगा, सही काम तो कर रहे थे तो आप बोल रहे हैं गलत कर रहे थे, बात क्या सुनिए। अच्छा चढ़ा बढ़ा के बुलाया गया, कौन बुलाए? वो नादान बच्चे थोड़ी ना कि उसे सिखा देंगे तो वो वही बोलेंगे। भाजपा वाला से पूछो, हमसे नहीं पूछो। अच्छा मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम बनने का आएगा क्या? हम पार्टी, हम पार्टी जी, देखो हम राजा से हैं, बोलो जी जी, राजा से प्रदेश महामंत्री हम मनीष कश्यप स्वागत में डाले। चलिए तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ, राजद के नेता जो है यहाँ पे मनीष कश्यप के स्वागत में आई हुई है, देख सकते हैं। मनीष के स्वागत में कभी है कभी रहेंगे, इसलिए कि मनीष बार बार गलत करता है। क्या गलत करता है?
में घर है, हम लोग मंडी का अध्यक्ष है, हमको तो मंडी में रहना ही है। मनीष का सब क्या जेल गेट पे इतना मीडिया के सामने आप सुबह से है मंडी किसी के ऊपर झूठे आरोप में लगाते ये क्या सत्य है? बोलने दो क्या कहे तुमको बोलने जवाब पूछ रहा एक चीज बोल किसी पत्रकार के ऊपर देशद्रोह जैसी धाराएं लगा देते हैं क्या लगाया कौन लगाया तमिलनाडु में तमिलनाडु से पूछो कि तो हमारे बिहार का देन है और हमारे सब लोग है कि हमारा मनीष यहाँ आया सुनो सब का दिन है कि यहाँ आया ठीक है यहाँ आया यहाँ किसी का दिन नहीं है कोर्ट की तरफ से फैसला आया तब मनीष आया जी हमें बोलने देगा तो ना बोलेगा आप कह रहे हैं कि मनीष का शव को यहाँ बिहार सरकार लाए आप ये कह रहे हैं सुनो जैसे मनीष आया जो कानून के बहुत बहुत धन्यवाद।